त्योहार पर महंगाई बम, प्याज ने निकाला दम। 10 रुपए किलो हो रही थी, अब 80 हो रही है, तो गरीब आदमी कहाँ खाए। महंगाई का बाउंसर, प्याज ने दिखाए तेवर। पहले 700 में एक हफ्ते का सब्जी आता था, अभी 1500 में भी नहीं आता है। पहले टमाटर ने रुलाया, प्याज ने सताया। 80 रुपए किलो हो गया है, अभी आगे आगे देख रहे हैं कि 150 रुपए तक जाएगा, खाने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। महंगाई की पिच पर प्याज की सेंचुरी। के साथ मैं हूं शिल्पा रावत। पिछले एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। दिल्ली में जो प्याज 30 रुपए किलो मिल रहा था, वो प्याज अब कहीं कहीं 80 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद नोएडा में भी प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात में भी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता दें आपको, प्याज की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी है और अब लोगों की थाली से प्याज जो है वो गायब होने का समय नजर आ रहा है, क्योंकि इतना महंगा प्याज हर कोई नहीं खरीद रहा है और इसीलिए थोड़ी सी दूरी जो है लोग प्याज से बना रहे हैं। जो प्याज खरीद रहे हैं उनके लिए भी दिक्कतें हैं और जो प्याज बेच रहे हैं उनके लिए भी दिक्कतें हैं, क्योंकि उस हिसाब से उन्हें ग्राहक जो है मिल नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हैं बड़ी हुई हैं। आगरा की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए या फिर तमाम और जगह की, हाल सब जगह लगभग सेम ही है। टमाटर की महंगी कीमत से राहत मिले अभी कुछ ही महीने बीते और अब प्याज ने महंगाई के आंसू रुलाने के लिए तैयारी कर दी है। देश भर में अचानक प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। क्या है जनता की फिलहाल स्थिति, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। बिना प्याज तो खाना नहीं बनता है। अभी पहले टमाटर बड़े महंगे थे, अब प्याज महंगे हो गए। अगर बात आजादपुर मंडी की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है। इसके अंदर पहले टमाटर ने रुलाया था, टमाटर 200 के पार पहुंचा था और अगर आज प्याज की बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्याज है वो भी शतक लगाने के बहुत करीब है। ये प्याज जो है आज की तारीख के अंदर अगर बात की जाए मंडी की, तो जो प्याज है वो 50 से 60 रुपए किलो या मंडी के अंदर बिक रही है और अगर साप्ताहिक बाजार की बात की जाती है तो साप्ताहिक बाजार के अंदर जो प्याज है वो 70 से 80 या 90 रुपए किलो आराम से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो वो अब प्याज जो है उनको उनके आंसू निकालने को तैयार है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के आरती जो है प्याज के। सर नाम क्या? ललित जी। ललित जी, प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज का क्या रेट चल रहा है, पहले क्या थी और अब कितना अंतर है और आगे आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहेगी? अगर स्थिति की बात करी जाए तो आज से 10 दिन पहले जो है प्याज मंडी के अंदर जो है 1200-1300-1400 बिक रहा था, तो एक हफ्ते के अंदर जो है थोड़ा क्या मुनाफे की वजह से बिक्री भी नहीं थी। ये तो प्याज प्याज तो एक हफ्ते पहले और तेज हो जाना चाहिए। बाकी अगर मंडी की बात करी जाए तो मंडी के अंदर अभी जो है अच्छे प्याज जो है 50 से 60 रुपये किलो। अगर मंडी में 60 रुपये किलो बढ़िया प्याज है तो साप्ताहिक बाजार में 70-80 रुपये किलो, 80 रुपये तो कहीं ना कहीं शतक लगाने के करीब ही होती है, उम्मीद है पूरी शतक लगा दें। तो कारण क्या है ये जो रेट? कारण ये है कि जो बेंगलोर की या साउथ की नई फसल आ रही थी वो फसल में गैप आ गया है, फसल जो है उसी वजह से गैप आ गया, बीच में नई फसल कोई है नहीं। बाकी ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है एक कंट्रोल में आ गया। देश भर में इस वक्त त्योहारों का मौसम है और हम लगातार देख रहे हैं कि इस बीच महंगाई कहीं ना कहीं खतरा बनकर लोगों के ऊपर मंडरा रही है। जितने भी मार्केट्स हैं वहां पर प्याज का जो दाम है वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया है। 15 दिन के अंदर ही प्याज के दाम में 50% ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गाजीपुर के सब्जी मंडी में है। इस वक्त जो प्याज महंगे हुए हैं उसके पीछे का कारण क्या बताएंगे आप? पीछे का कारण यह है कि नवरात्र में प्याज लोगों ने मंगाया नहीं है, नवरात्र में प्याज बिकता ही नहीं है और एक बार कि जब प्याज नवरात्र के बाद खत्म हुआ तो पीछे बाजार टाइट हो गया और किसानों ने डर के मारे प्याज भेजे कि नवरात्र में बिक्री नहीं हुआ 10 दिन, तो किसानों ने समझा कि बाजार और जाएगा, अपना उल्टा सीधा भाव करके भेज दिया। प्याज के दाम जो 50% ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या कुछ इससे असर पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? हम दुकानदार ही नहीं है बिल्कुल भी, जो भी खराब आता है उसको भाव बताओ 60-70 रुपए किलो, कहते हैं कि एकदम आग लगी, जब पीछे प्याज ही नहीं आ रहा स्टॉक में, पीछे स्टॉक महंगा, क्या कर सकते हैं? मैडम वो ये कहता सीधा कि आप लोगों ने रेट बढ़ाया, पीछे से नहीं बढ़ गया है, वही कहता है पीछे ब्लैक नहीं कि वो आप लोग कर रहे हो महंगा, ऐसा कहते हैं ग्राहक। जबकि कल का रेट यहाँ 50 था, हम लोगों ने 60 बेचा, आज यहाँ का रेट 60 रुपए किलो, तो आज क्या रेट बिकेगा?
कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर प्याज के दाम आम नागरिकों के आंसू निकाल रहे हैं, और ये दाम में दोगुनी बढ़त क्यों हुई है, इस पर बात करने के लिए हम दादर सब्जी मंडी पहुंचे और मेरे साथ ये व्यापारी हैं, उनसे बात कर हम समझने चाहते हैं कि आखिर ये प्याज के दाम अचानक से दुगने दामों में क्यों बिक रहे हैं। दादा, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त मार्केट में कांदा जो है, प्याज जो है, उसके दाम क्या चल रहे हैं? अभी 55 रुपया 60 रुपये किलो चल रहा है। अभी गए हफ्ते में 28 रुपया 30 रुपया था, बराबर ना। तो ये अचानक से एक हफ्ते के भीतर दामों में दुगना बढ़त क्यों है, इसके पीछे क्या कारण मान? अभी क्या हुआ, सन आया था, ये देवी का कार्यक्रम था, इसके लिए खेती में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा था, तो माल शॉर्टिंग हो गया, इसके वजह से बढ़ गया बाजार। मतलब सप्लाई जो है वो कम हो रही है मार्केट में, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं? नहीं, सप्लाई जो आई है वही है, जो जा रहा है डेली का वो डेली का ही है, लेकिन आदमी काम जो करने वाले खेती में काम करते हो वो लोग चटिंग है ज़्यादा। हम लोग तो छोटा मोटा धंधा वाले हैं, अभी यहाँ 60 में पाएंगे तो हम लोग 70 में बेचना पड़ेगा, फिर 65 बेचना पड़ेगा, 70 बेचना पड़ेगा। अच्छा, तो आप यहाँ से खरीद करके दूसरी जगह बेचते हैं? छोटा धंधे वाले हैं हम लोग, किराना दुकान वाले हैं। अच्छा, छोटा छोटा धंधा वाले हैं, अभी यहाँ 60 में पाएंगे तो मजबूरन 65 तो 64 65 तो बेचना ही पड़ेगा ना, अगर 64 65 में नहीं बेच रहे हो तो क्या मतलब मिलेगा। तो जो ग्राहक है उस पे ऊपर भी असर पड़ रहा होगा, वो भी आपसे कुछ शिकायतें जरूर करते हैं? नहीं, अभी वो लोग भी बोलेंगे ना कि क्या क्या भाई, कल तो ये भाव में था, अभी आज ये भाव में क्यों दे रहे हो। अभी उनको क्या बोलूं कि मैं क्यों दे रहा, जब मुझे ही यहाँ बढ़ के मिल रहा है तो मैं कैसा वो भाव में दूंगा। अभी किसान के पास कोई प्याज सिल्लक नहीं, एक 10-15 दिन रहेगा इतना प्याज हमारे पास सिल्लक है, इसलिए भाव बढ़ रहा है। लेकिन आज जो 3,500-4,000 रुपये बाजार है, लेकिन 15 दिन पहले जो व्यापारियों ने जो 15-20 दिन बंद किया था, उसके बाद में केंद्र सरकार जो निर्यात शुल्क बढ़ाया था, उसकी वजह से जो 15-20 दिन में हमारा बहुत माल खराब हो गया, और हम शॉर्टिंग करके आज माल ला रहे। उस टाइम हमारे पास अच्छा माल था, तभी हमें रेट नहीं मिल रहा था, आज हमारे पास माल नहीं है लेकिन रेट ज़्यादा है। अभी भी हम केंद्र सरकार को विनती करते हैं कि 15 दिन अगर माल है तो भी आप इसमें हस्तक्षेप मत करो, आपके पास अपने नाफेड़ में जो दाल आपने जैसी बाटी है उस तरीके से आप अभी प्याज बांट सकते हो, जो 15-20 दिन का गैप है वो पूरा कर सकते हैं। किसान को जो पैसा आज अच्छा लास्ट में जो मिल रहा है वो मिलने दो, हम हाथ जोड़ के उनको विनती करते हैं। अभी माल नहीं है क्या करीब पास, प्याज नहीं, जो है थोड़ा पार तो वो अभी थोड़ा पार भाव मिल रहा है, सरकार ने इसके हस्तक्षेप न करे अच्छा होगा ऐसे खेत करके। पटना के थोक मंडी में भी प्याज की कीमत आसमान छू रही है। आपको दिखाएं कि ये देख लीजिए, ये प्याज है, ये सारे प्याज जो हैं ये बाहर से आते हैं। हालांकि जब यहाँ खेती होती है प्याज की और जब नया फसल आता है तब उसकी कीमत कम होती है, लेकिन अभी ये थोक मंडी में 4,800 से 5,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से चलता है। यानी आप 48 रुपए यहाँ पर केजी या फिर 50 रुपए केजी के बीच का प्याज की कीमत है, लेकिन जब यही प्याज बाजार में जाता है तो 60 रुपए किलो हो जाता है। हम बात करते हैं यहाँ थोक मंडी के जो ऑनर हैं उनसे, ये बताइए कि प्याज की कीमत कितने दिनों में बढ़ी है? एक सप्ताह के अंदर में बढ़ा है, 24 से 48 किलो। तो यहाँ प्याज बाहर से आता है कि यहाँ लोकल भी होता है? लोकल होता है, लोकल खत्म हो गया इसीलिए ना एक ही जगह से आ रहा। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। देखिए, राजकुमार कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ जो देसी प्याज था, जो यहाँ जिसकी उपज होती है, वो खपत उसका हो चुका है, खत्म हो चुका है बाजार से, अब जो प्याज आ रहा है वो नासिक से आ रहा है या दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा है, इस वजह से ये प्याज की कीमत जो है अचानक बढ़ गई है और लोगों की थालियों से प्याज गायब होने शुरू हो गए हैं। अब आपको 3 शहरों का अपडेट हम दे रहे हैं। दिल्ली में प्याज 70 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, मुंबई की बात की जाए तो 70 से 80 कहीं कहीं मिल रहा है, वहीं जयपुर की बात की जाए तो यहां सेंचुरी लग चुकी है, यानी कि जयपुर में यही प्याज 90 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो ये 3 जगह की
हम रेट आपको बता रहे थे कहां पर कितने रुपए किलो प्याज जो है वो बिक रहा है, तो 70 से 80 तो लगभग ये हर जगह बिक ही रहा है। कहीं कहीं सेंचुरी जो है वो प्याज मार चुका है, यानी कि प्याज जो है अब वो आंसू रुलाना शुरू कर चुका है लोगों को, क्योंकि कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं और आने वाले समय में कीमतें घटने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि प्याज जो है वो हो सकता है थालियों से बिल्कुल ही गायब नजर आए। तो ये आपको जानकारी दे कि जो प्याज आढ़त खरीद रहे हैं, जो प्याज बेचने वाले खरीद रहे हैं, उनके लिए भी महंगा आ रहा है और आगे जब वो प्याज बेच रहे हैं ग्राहकों को, तो ग्राहक भी प्याज कम खरीद रहा है, उनके लिए भी दिक्कतें हैं क्योंकि प्याज की कीमत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए लोग लिमिटेड प्याज खरीद रहे हैं और कई लोग इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि वो प्याज को फिलहाल खरीद ही नहीं रहे, यानी कि वो प्याज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा महंगा जो है वो प्याज। पहले टमाटर काफी लाल हो गया था लेकिन अब प्याज जो है वो आंसू रुलाने पर आ चुका है और ऐसे में लोग जो है वो प्याज खरीदने से बच रहे हैं, बिना प्याज के ही वो अपना काम चला रहे हैं। लखनऊ में प्याज के क्या भाव हैं, देखिए जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। टमाटर के दाम कम हुए तो अब प्याज के दामों ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। जो प्याज नवरात्रि के समय 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 70 से 80 रुपए पहुंच गया है। लखनऊ की एक सब्जी मंडी है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम सब्जियां आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन ये जो प्याज है इसके रेट जो है वो अभी फिलहाल आसमान छू रहे हैं। भाई साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों, आखिर वजह क्या है कि प्याज के रेट इतनी तेजी से आगे बढ़ गए। भाई साहब अभी क्या रेट में बेच रहे हैं आप? 80 रुपए किलो। और मंडी में क्या रेट है? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। क्या वजह है इतना जो है रेट बढ़ गया प्याज? प्याज का वजह ये है कि प्याज तो हमेशा हर दम महंगी हो जाती है, लेकिन मेन कारण ये है कि जो अभी बरसात हुई थी उस बरसात के कारण जो अभी प्याज सड़ गई है, जो नासिक वाली पहले लाल प्याज दीपावली के पहले आ जाती थी, अब वो नहीं आ पा रही, इसीलिए ये प्याज महंगी हो गई है। और मंडी में ये प्याज पुरानी प्याज है ना, तो ये जैसे 70 रुपए किलो थोक में लाते हैं, तो मेन कारण ये कि कम से कम 5-7 किलो उसमें प्याज खराब निकल जाती है। वो लाल वाली जो प्याज नई वाली आती थी उसमें खराब निकलती थी नहीं, तो इसी चक्कर से ये महंगी हो गई है। क्योंकि नवरात में 30 रुपए किलो प्याज थी, उसके बाद नवरात खत्म होते हुए लास्ट में 40 हो गई, फिर 10-10 रुपए करके रोज बढ़ता रहा, अब प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रही है। क्या ये प्याज कहाँ से आता है? ये नासिक से, इंदौर से और महाराष्ट्र से। क्या अभी ये प्याज के रेट और भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे? अभी प्याज 100 के ऊपर जाएगी प्याज, क्योंकि प्याज जो नई वाली थी वो खराब हो चुकी है ना प्याज, इसीलिए जो हम लोग पूछते हैं हटिया से कि भैया इतनी महंगी क्यों हो रही है, तो कह रहे जो नासिक वाली प्याज, जो लाल वाली प्याज आती थी वो खराब हो गई, फसल खराब हो जाने के कारण इसीलिए प्याज महंगी हो गई है। तो ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उन व्यापारियों के यहाँ छापेमारी करें जिन लोगों ने प्याज को डंप करके रखा है। कंसर्न अम्बाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया लखनऊ। दिल्ली में आज प्याज के क्या भाव है, देखिए जी मीडिया की एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में त्योहारों का मौसम आने के साथ साथ महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। जितनी भी सब्जियां हैं उनके भाव जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के खाने के जायके के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। लगातार प्याज के जो भाव है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही प्याज जो है वो 60 से 80 रुपए किलो के आसपास के भाव में बिक रही थी। फिलहाल क्या कुछ भाव है और क्या कुछ मंडी में इसका दाम चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? विक्रम। विक्रम जी, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्याज के भाव भी किस तरीके के हैं? प्याज अभी एक हफ्ते पहले थोड़ा महंगा था, अब थोड़ा डाउन हो गया। पहले कितना था, अभी कितना? अभी 4 दिन पहले 400 बिक गया था, अब 320 हो रहा है। 320 रुपए के किलो? नहीं, 64, अब है 64 रुपए किलो, पहले 70 रुपए किलो बिक गया था। अच्छा, क्या लगता है कब तक इसके भाव जो है वो अब डाउन हो जाएंगे? कस्टमर्स पे क्या असर पड़ रहा है? जो 5 किलो ले जाने वाला है वो 2.5 किलो ले जा रहा है इस टाइम। अच्छा, यहाँ बस आप लोग से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हमें कुछ नहीं है, जैसा आ रहा है ऐसे बिक रहे। तो देख रहे हैं हम किस तरीके से जो दुकानदार है वो बता रहे हैं कि इस वक्त प्याज जो है वो कहीं ना कहीं 60 रुपए के आसपास से जो पास के भाव से जो है वो बिक रहे हैं। कुछ जो ग्राहक है उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जयप्रकाश है। आप यहाँ प्याज लेने आए हैं? प्याज लेने आया हूँ। कितने के लिए आए? प्याज तो 70 रुपए मिल रहा है, बाकी लोकल जगह तो 100 रुपए किलो बिक रहा है, और इसलिए मैं मंडी आया हूँ कि यहाँ सस्ता मिले, और यहाँ भी 70 रुपए किलो है। हर साल कभी न कभी ये प्याज महंगा हो जाता है, कभी टमाटर महंगा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्यों ऐसे महंगा अचानक से हो जाता है। जो 30 रुपए किलो बिक रहा था एक महीने पहले प्याज, वो आज 70 रुपए 100 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा,
अच्छा, क्या कुछ, क्योंकि हम देख रहे त्योहारों का समय है, क्या कुछ बजट के ऊपर असर पड़ रहा है? असर पड़ेगा ही, बिल्कुल असर पड़ता है। 100 रुपए किलो प्याज आदमी कहाँ से खाएगा? अचानक हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है, सैलरी कुछ बढ़ता नहीं है, कमाई इनकम एकदम से ऐसे तो मतलब हर समय। कभी टमाटर अभी 120 रुपए किलो हो गया था, अभी प्याज भी इतने महंगा हो गया, कहाँ जाए। देख सकते हैं लगातार किस तरीके से जो ग्राहक है उनको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से प्याज के जो भाव है उसमें उछाल आया, इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग जो है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।